दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको BA LLB 10वें सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2022 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, आज 14 जुलाई 2022 को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थर्ड यानी कि ट्रेडमार्क एंड डिजाइन का पेपर था, उसी के क्वेश्चन पेपर है। अगर आने वाले समय में आपका एग्जाम है तो इसी क्वेश्चन पेपर से 5 क्वेश्चन तो दोस्तों पूछे ही जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चन को पूछता है जो महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम में पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 10 में से आपको 5 ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन होता है दोस्तों 12 नंबर का। चलिए अब जानते हैं कि पहला कौन सा पूछा गया था एग्जाम में। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्यापार चिन्ह क्या है। व्यापार चिन्ह को व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 2(1)(ZB) में परिभाषित किया गया है और व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के उद्देश्य क्या है। यह पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, व्यापार चिन्हों के अतिलंघन के विरुद्ध विभिन्न कानूनी रायतों की चर्चा कीजिए। अतिलंघन के बाद में प्रतिवादी के लिए क्या बचाव उपलब्ध है। दोस्तों, इसमें आपसे व्यापार चिन्ह के अतिलंघन के बारे में पूछा गया था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, चल देना और व्यापार चिन्ह के अतिलंघन में अंतर क्या है, विस्तार से चर्चा कीजिए। इसके बाद चौथा, व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण से इनकार के आत्यंतिक आधारों एवं सापेक्ष आधारों को समझाइए। दोस्तों, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अंतर्गत माल और सेवाओं के वर्गीकरण को समझाइए। व्यापार चिन्ह कार्यालयों के क्षेत्र अधिकार की विवेचना कीजिए। इसके बाद छठवां, व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वचारी के अधिकार क्या है, विस्तार से समझाइए। इसके बाद सातवां क्वेश्चन पूछा गया, डिजाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत नियंत्रक के शक्तियों एवं दायित्व को समझाइए। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन तो इसी पेपर से पूछे आएंगे। आपको किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। इसके बाद आठवां पूछा गया, निम्नलिखित को समझाइए, संयुक्त स्वामियों के व्यापार चिन्ह। इसके बाद बी, रजिस्ट्रीकृत डिजाइन की चोरी। इसके बाद नौवां पूछा गया, नवीन और मूल डिजाइन क्या है। डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत पंजीकरण और डिजाइन को रद्द करने से संबंधित डिजाइन कानून पर चर्चा करें। इसके बाद दसवां क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, कोई 3 यानी कि 3 पर आपको टिप्पणियां लिखनी थी संक्षिप्त में। ए, व्यापार चिन्ह का समनुदेशन। बी, व्यापार चिन्ह का पारेषण। सी, एंटन पिलर आदेश और मारेवा व्यादेश। डी, विवगत डिजाइन। इस प्रकार दोस्तों BA LLB 10वें सेमेस्टर के एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले समय में इसी पेपर से ही
आपकी एग्जाम में 5 क्वेश्चन तो दोस्तों पूछे ही जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।